क्योंकि आप बंगला देख रहे हो, बंगला है यहाँ पे इनका, और ये है वो जगह, और वो सामने दिख रहा है भाई, वही है मेन भूतिया बंगला, और ये वाला मेन मकान है जो बनने नहीं दिया। तो आमा ये व्लॉग अगर आप स्वर्ग से देख रही हो दोस्त, दगड़ियों से लाइक करवाना। तो हे तो फिर मेरा टॉपिक कैसे याद हो गई हो कब से होंगे मेरे एकदम बड़े हो। तो आज मम्मी ने बना रही है मेरे लिए भाई आलू के पराठे, भाई आलू के पराठे और दही, भाई क्या तगड़े दिख रहे हैं भाई, ये देख रहे हो ना, तो उसमें सफेद सफेद ये काला नमक डाल लेगा। तो अभी खाते भाई पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते, फिर उसके बाद जाते हैं। आज आपको एक तगड़ी चीज दिखाने वाला हूँ, भूतिया घर भाई, बहुत तगड़ी जगह है। मम्मी लोग गए थे तो वहाँ देखा था ना, हाँ मैं नहीं आया था, पर आज कल आज के ब्लॉग में जब आप देखोगे ना भाई मज़ा आ जाएगा। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मम्मी क्या कर रही हो अभी यहाँ पे? जूस बना रही हूँ, आलू के पराठे खा लिए। हाँ बस अब एक ग्लास में जूस पियो, खूब तगड़े हो जाओ, फिर उसके बाद खूब देर से लड़ाई करना, कहना मानने की तुम्हारी फट हो गई है, बस टाइम टाइम से खाना पीना चाहिए, और ऐसा ही है तुम्हारा बस। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मिक्सी का सेटअप कैसा होता है। सबसे पहले हमको चाहिए होगा इसके लिए एक जार जो यहाँ पे फिट होगा, ये है इसके मेन ऊपर का ढक्कन, फिर ये है अंदर को डालने वाला, और ये है मिक्सी। ये देखो इसमें ताजा ताजा जूस, क्या झागदार मस्त गाढ़ा गाढ़ा जूस बना हुआ है। इसको खा के आएगी ताकत, और इसमें डाल दें थोड़ा सा काला नमक। समय जा रहे हैं भूतिया बंगला देखने, और मम्मी ने मुझे कल बताया था कि भूतिया बंगला है यहाँ पे की साइड, और ये है वो जगह, और वो सामने जो दिख रहा है भाई वही है मेन भूतिया बंगला। मतलब वहाँ की खानी इतनी तगड़ी है ना, मतलब वो बताएगी मेरे को मम्मी, और मम्मी बताएगी, और इसके संग हमारे संग एक बच्ची भी आई है घूमने के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर का दिखाते हैं व्यू नज़ारा पूरा। तो चलते जो दिख रहा है ना आपको सामने फ्लैट, वो है भूतिया बंगला, ये वाला भूतिया फ्लैट, और यहाँ की खानी बताएगी अभी मम्मी, और मम्मी से पूछते हैं कि क्या है यहाँ का राज। तो बताओ मम्मी क्या है यहाँ का राज? ऐसा है ना, अब वो मेरे को भी अच्छी तरह पता तो नहीं है, लेकिन ये जगह जिसकी है ना, ये किसी एक अम्मा की बुढ़िया की थी, उनके बच्चे बच्चे नहीं थे, तो किसी सरदार ने वो जमीन उससे हड़प ली, ऐसा बताते हैं। और क्या कहते हैं, अब वो जब उस सरदार ने वो बुढ़िया को मर गई, तो वो जमीन में उसने फ्लैट बनाया, तो वो फ्लैट जो है क्या कहते हैं अच्छी तरह सक्सेस हो ही नहीं पा रहे, बन रहे टूट जा रहे, बन रहे टूट जा रहे, मतलब किसी को रहने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि जैसे रात को बुढ़िया ना, रात के टाइम पे वो बुढ़िया के टाइम पर आती है वो बुढ़िया, और वो डराती है, तो उससे डर के मारे कोई फ्लैट जैसे किसी ने खरीदा भी है तो वो चले जाते हैं किसी की साइड से, यहाँ से ऐसा है। अच्छा ये यहाँ पे रहता नहीं है क्या कोई? अब यहाँ से जा रहे हैं हम, जो मकान बनने नहीं दे रही है वो बुढ़िया औरत, वो बुढ़िया औरत ना जो बनने नहीं दे रही है मकान, वो है ये वाला मकान। ये सारे तो बनने दिए, थोड़े बहुत पेंट होने दिए, पर ये वाला मकान बिल्कुल नहीं बनने दिया। हाँ अंदर से तो पूरा बनने ही दिया, और ये वाला मेन मकान है जो बनने नहीं दिया, वो आमा के पता नहीं क्या चुल्ले थी, आमा ने बनाना नहीं दिया ये मकान। चुल्ले नहीं थी, आमा की प्रॉपर्टी थी ना, तो आमा की प्रॉपर्टी थी, उनके नातियों ने मतलब उनसे नाती नहीं थी ना वो, मतलब नाती नहीं थे, कोई और थे, उन्होंने हड़प लिया ऐसा बोलते हैं, तो मतलब नाती नहीं किसी और ने हड़पा, और मतलब आमा के पेट में अभी भी आग है, कि मतलब ये कोई ले ना पाए। तो आमा ये व्लॉग अगर आप स्वर्ग से देख रही हो तो मतलब इस वाले व्लॉग को ना सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त दगड़ियों से लाइक करवाना, और ये मकान बनने देना ठीक है, क्योंकि ये मकान मेरे को दे दिया, ये मकान मेरा हो जाएगा, और ये वाला मकान तो चलो मैं ताऊ खाऊ को दे दूंगा अपने प्रॉपर्टी में। आमा के जो शांति के लिए मंदिर बनवाया है उसमें भी देख के आते थोड़ा। तो भाई मम्मी बोल रही कि ये है ट्रेन की पटरी, मतलब ट्रेन का मतलब जो डिब्बा होता है, पर मैंने अभी दिमाग दिया कि ये ट्रेन का डिब्बा नहीं है, और ये है क्या कहते हैं इसको, जो जिसमें लोग पानी ले जाते हैं, पानी का टैंकर नहीं हो जाओ ऊपर से वो है। और मम्मी बोली अब ये रखा क्यों होगा? रखा इसलिए
क्योंकि यहाँ पे जब लेबर काम कर रहे होंगे तो उनके लिए पानी मतलब ज्यादा दूर ना जाना पड़े, हाँ, तो यहीं पर ही पानी भर के हाँ उसी के लिए। और व्यू तगड़ा आ रहा है भाई यहाँ। अरे हम आमा के मंदिर में, अब आमा से मैं बोलूंगा कि आमा ये मकान जो है पीछा वाला पूरा पीछा वाला मकान मुझे दे दो, क्योंकि ये मकान देख के भाई मेरा दिल बढ़ गया पूरा, मतलब खुश हो गया, खुश हो गया भाई मैं गया खुश हो गया। और आमा के पास जाता हूँ अभी, और आमा से अब आमा का मंदिर है या भगवान है इसमें, अब आमा की आत्मा है, आमा का मंदिर है वो, आमा के नाम से बनाया तो आमा ही होगी ना, भगवान नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, तब भगवान ही है उसमें, भगवान कहाँ होंगे, वो तो आमा के नाम से है तो आमा ही होगी ना, वहाँ आमा बैठी होगी वहाँ पे आमा बैठी होगी टपकने के बाद भी, तो आमा के नाम से बनाया होगा। आमा रात को वॉकिंग में आती है ना जब, तो आमा के लिए लाइट भी लगा रही है देखो भाई। अब ये है आमा का मंदिर, और ये आमा के मंदिर में खाली एक शेरा वाली माता की फोटो है, क्योंकि वो तो मां ही हुई ना। और यहाँ पे आमा को यहाँ गाड़ा था क्या, पता नहीं गाड़ा तो नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाया है। अच्छा, पर यहाँ से व्यू जो तगड़ा आ रहा है भाई, मजा आ गया है। इस वाले की बैक साइड में कुछ ऐसा गोल गोल बना रहे का है, मतलब आमा से कहते हैं थोड़ा सा हमको भी दे देना, एक फ्लैट फ्लैट पैसा ही दे देना यार, फ्लैट नहीं दे रहे हो तो थोड़ा बहुत ये तुमसे इतनी इनकम करा देना, एक फ्लैट ही ले लो। और भाई क्या तगड़ा लग रहा है, मजा आ गया, मस्त लग रहा है ना। आमा ऐसा करना, उनके सपने में जाना, आमा से कहना उनके सपने में जाना जिन्होंने ये फ्लैट बनाए हैं, कि उसमें से एक आंटी है उसको दे दे इसमें से एक फ्लैट, और तेरे को पूरा शांत कर देंगे, फिर तेरे तो फिर बेच जितना बेचते हैं तो खतरनाक लग रहा है। तू बता तू क्या बोलना चाहती है, मतलब तुझे यहाँ पसंद आया, आमा से क्या बोलना चाहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, तुझे कुछ नहीं चाहिए, अबे एक आध जमीन मांग ले, अबे एक आध फ्लैट मांग ले, एक फ्लैट चाहिए बेटा, इतना कोई फायदा ना, बोल बोल बोल। आमा आमा अभी बता ब्लॉग देख रही है, हां अभी ब्लॉग देख रही है ऊपर जाके, आमा अभी ब्लॉग देख रही है, अगर तेरे को जो चाहिए बोल दे आमा से, आमा हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ हां आमा एक फ्लैट मुझे भी दे देना, पोपट कर दिया। ये है अभी जब आमा उस मंदिर से जब इधर से आती है तो यहाँ पे लाइटिंग लाइट तो लगी है, मैंने जैसा आपको बताया। और ये है आमा को अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का एक थोड़ा सा साधन, मतलब ये इसमें अभी रिचार्ज नहीं कराया है, तो आमा मैं तुम्हारे जल्दी ही इसमें रिचार्ज कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये सब सारे कंजूस है, कोई तुम्हारा उसमें चार्ज नहीं कराता। चलते हैं आगे की साइड, और आगे की साइड से दिखाते हैं गाइस आगे की साइड का, ये देखो आगे से तो और भी तगड़ा लग रहा भाई, मजा आ गया, मस्त लग रहा है एकदम आगे से ऊपर से नीचे तक का। पांच इधर की साइड के हैं पीछे के, उनका मुंह पीछे को है, पांच आगे की साइड के हैं, इनका मुंह इधर की साइड, लग रहा है बहुत बहुत सुंदर, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है सोसाइटी टाइप की लग रही है, पूरा इसको फील आ गया इसको देख के, अच्छे से बन जाएगा तो फिर बिक जाएगा तो बहुत मस्त सोसाइटी बन जाएगी। आमा बनने का दे रही है, आमा के पेट में भी तो खुजली है, आमा की जगह है भैया, आमा का हिस्सा है वो, तो आमा तो करेगी खुजली, देखो ये इधर के पीछे वाला ही, अच्छा ये वाले मकान से ज्यादा ही खा रहे हैं, मतलब आमा को यहीं पे लाता मतलब लग रहा है, यहाँ से देखो भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है, अभी सनसेट भी होने वाला थोड़ी देर में। क्या देख रही है, कांटे हैं और ऊपर से फूल का गुच्छा है, देख कितना मस्त लग रहा है, अंदर से कांटे हैं, इसको कोई अगर ऐसे तोड़ना चाहेगा तो कांटे कांटे तोड़ेंगे, ये भी वही वाली बात हो गई, ऊपर से खूबसूरत, अंदर से काटा नहीं, ऊपर से गुलाब, नीचे से काटे जैसे गुलाब में काटे होते। गाइस आ चुका हूँ मैं घर, और रात भी हो चुकी है भाई खतरनाक वाली, तो इस समय मैं घर आ चुका हूँ, और मैंने सोचा कि भाई ब्लॉग भी एंड करता हूँ, ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा बन गया है 9 मिनट का, तो ब्लॉग भी एडिट हो चुका है, बस खाली ये वीडियो एडिट करनी है, और इसके बाद ब्लॉग टर्न करके सुबह 9 बजे आ जाएगा। तो आज कल के ब्लॉग में देख, कल के ब्लॉग में क्या होता है, कल के ब्लॉग में क्या करते हैं करके, और क्या देखने को आपको मिलता है, क्या सीखने के लिए आपको मिलता है, तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों को कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले एकदम हीरो टाइप।